Hey guys, welcome to TV का तड़का, जिसमें क्रेज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। बिग बॉस ओटीटी, किसी को नहीं मिला टिकट टू फिनाले। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। घर में टिकट टू फिनाले टास्क हुआ, जिसमें दावेदार एलविश यादव, बेबिका ध्रुवे और जया शंकर में से किसी एक को जीत कर फिनाले में अपनी जगह बनाने का मौका मिलता, लेकिन ये टिकट किसी के हाथ नहीं आई। दरअसल एलविश और जिया के बीच में टाई हुआ, जिसके बाद घर वालों ने मेजोरिटी में फैसला लिया कि टिकट टू फिनाले किसी को नहीं मिलना चाहिए। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। सोशल मीडिया पर भिड़ी अर्चना गौतम और डेजी शाह, क्या है वजह। दरअसल डेजी शाह के हालिया इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अर्चना गौतम खतरों के खिलाड़ी 13 में एंटरटेन कर रही हैं, तो डेजी ने इससे इनकार कर दिया। डेजी ने कहा कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी 13 के दौरान अर्चना गौतम मजाकिया नहीं लगी, जिसके बाद अर्चना ने इंस्टाग्राम पर डेजी को जवाब दिया। इंस्टाग्राम स्टोरी पर बिग बॉस 16 फेम ने लिखा, दो बार एलिमिनेट किया गया है ना, इसीलिए डेजी शाह नाराज है मुझसे। कोई नहीं बाबू, ये एक शो है, हमें एंटरटेनमेंट करने या स्टंट करने के लिए ही कलर्स पैसा देता है, बस शांत हो जाओ बाबू, मुझे इंडिया बहुत प्यार करता है। जिसके बाद अर्चना ने लिखा, उंगली मत करना वरना मैं हाथ पकड़ लेती हूँ। इसके बाद किसी का नाम लिए बिना डेजी शाह ने इंस्टाग्राम पर दो स्टोरी पोस्ट की। अपने पहले पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा, चीजों और लोगों को पसंद करने का हर किसी का अपना तरीका होता है, अगर मुझे किसी का मजाक उड़ाने या लोगों को भड़काने का तरीका पसंद नहीं तो मुझे पसंद नहीं है। शो में स्टंट करते समय एक इंसान का दूसरे के प्रति अनादर मूर्खता है। चैनल आपको केवल वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। एकता के शो धर्मपत्नी को फिर किया गया एक्सटेंड। खबरें सामने आई है कि एकता कपूर के ऑनगोइंग शो धर्मपत्नी को एक बार फिर एक्सटेंड किया जा चुका है और अब ये शो आने वाले कुछ और हफ्तों तक धमाल मचाएगा। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। अपनी सगी बहन को चरित्रहीन बताएगा विनायक, जहर उगलेगी भवानी। गुम है किसी के प्यार में शो की कहानी में आगे हारनी अपने ससुराल जाने का फैसला करेगी। हारनी सुबह होते ही अपना सामान पैक कर लेगी, वहीं विनायक भवानी की चमचागिरी करेगा। भवानी और विनायक मिलकर सभी को कोसेंगे। भवानी दावा करेगी कि सभी पुणे जैसे शहर में नहीं टिक पाएगी, वहीं विनायक भी अपनी ही बहन की हरकतों पर सवाल खड़े कर देगा। भवानी का गुस्सा देखकर अश्विनी का दिल टूट जाएगा। समय निकाल कर अश्विनी ईशा के पास जाएगी, यहाँ पर अश्विनी सभी से फोन पर बात करेगी, जहाँ सभी अश्विनी को बताएगी कि वो जल्द ही एडमिशन ले लेगी। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। ऋत्विक की इस हरकत पर गुस्साए लोग। हाल ही में ऋत्विक धनजानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में ऋत्विक अपनी गर्ल गैंग के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋत्विक एक के बाद एक लड़की को उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक रहे हैं, हालांकि इस दौरान वो खुद ही पानी पर फिसल जाते हैं। वीडियो में जिस तरह से ऋत्विक अपनी फीमेल फ्रेंड्स को पानी में धकेल रहे हैं, उससे लोग अब काफी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उनकी इस हरकत पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। फहमान को मिला करण जौहर का बड़ा प्रोजेक्ट। खबरें सामने आ रही हैं कि टीवी एक्टर फहमान खान को जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर के बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला है। हालांकि ये बात सामने नहीं आई है कि फहमान का रोल इस प्रोजेक्ट में कैसा होगा और ये प्रोजेक्ट आखिरकार कैसा है। टीवी का तड़का, सातवीं आखिरी टॉप न्यूज। मंगेतर संग दिव्या अग्रवाल ने की गृह प्रवेश की पूजा। दिव्या ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया है। रियलिटी शो जीतने के बाद दिव्या ने 2022 में एक घर खरीदा था और वो आखिरकार अपनी नई जगह पर शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने घर पर अपने मंगेतर के साथ गृह प्रवेश की पूजा की। दिव्या अपने नए घर में अच्छे से शिफ्ट हो गई हैं। हाल ही में उनके घर पर गृह प्रवेश की पूजा हुई, जिसमें उनका परिवार भी शामिल हुआ और खासकर उन्होंने अपने मंगेतर के साथ बैठकर पूजा की, जिसकी फोटोज खूब वायरल हो रही हैं। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।